हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज का जो व्लॉग है कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज मेरा मैकबुक ख़राब हो गया था तो मैं चांदनी गया था। तो चांदनी जो है वो एरिया जो है बहुत ही खाने के लिए फेमस है, क्योंकि उसके पास ही से सटे हुए लगे हुए हैं बेकर्स लैंड, और वहाँ पे दो तीन चीज़ तो बहुत ही पॉपुलर है, जो है चिकन स्टू और ब्रेड, वो चित्तौड़ा का जो है, और बहुत सारा चीज़ है। वो एक माँ तारा, क्या नाम है उसका, वो भी रोटी और थाली वगैरह बहुत सस्ता है, तो सब कुछ ट्राई करेंगे आज। और बस हमने कुछ खाया भी नहीं, और यहाँ पे जैसे हम लोग बेकर्स लैंड के पास आए, फूड का स्मेल हमारे नाक को हीट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, आपको एक चुटकी में पहुँचने वाला हूँ बेकर्स लैंड। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बेकर्स लैंड, देख सकते हैं हमारे पीछे है वो बेकर्स लैंड, जहाँ पे हम लोग आज बहुत सारा फूड ट्राई करने वाले हैं, और बहुत ही भीड़ दिख रहा है आपको। और अभी लंच टाइम है, तो अभी समझ लीजिए भीड़ उरुज पे अपना उरुज क्या होता है भाई, द पीक। अच्छा, तो अभी हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे, और हम लोग को दुकान ढूंढना ही पड़ेगा, हम लोग एकदम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ दुकान ढूंढेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी चित्तौड़ का दुकान से जस्ट क्रॉस कर लिए, बिकॉज वहाँ पे भी लिटरली खाने का जगह नहीं है, जगह भी नहीं है वहाँ पे, खाने का जगह भी नहीं है, और बिकॉज लंच टाइम है, तो हम लोग जस्ट एक बार घूम के राउंड अबाउट लेके एकदम फिर से आएंगे, एक्सप्लोर कर लेते हैं बेकर्स लैंड को कैसा लगता है। ये फर्स्ट टाइम आ रहे ना, वैसे तो जितना भी अभी लोग एक्सप्लोर किए हैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से अच्छा फीलिंग आ रहा है, और भूख भी लगा हुआ है, मज़ा आने वाला है। तो गाइस फर्स्ट लोकेशन हम लोग यही ट्राई करेंगे, चित्तौड़ बाबू दुकान। तो यहाँ फाइनली यही दुकान है चित्तौड़ बाबू का, जो भी ब्रेड यहाँ पे गर्म हो रहा है, और सूप, आई थिंक इस दोनों में सूप रखा होगा, इसमें घुघनी होगा। तो यही दुकान है कुछ छोटा सा इस तरह का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हालत देखो, पूरा एकदम हालत ख़राब हो चुका है, और अरकमा के हाथ में अभी है चिकन स्टू और वो फेमस ब्रेड, तो ट्राई करेंगे ये एक्जॉटिक डिश, जो कि 75 ईयर से बेकर्स लैंड में है, और लोग डेली यहाँ पे लगभग 400-500 लोग तो खाते ही ये चीज़। एक बार टोस्ट का रिव्यू करता हूँ, पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है वो जो सूप है इसके अंदर, और अभी भी क्रंची है ब्रेड, तो मतलब मैं फिर वही बात बोलूँगा, 10,000 आवर्स इसने उससे ज़्यादा बिताया अपने खाना बनाने में या फिर ये सीखने में, 75 साल, 75 ईयर्स, इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो बहुत ही अच्छा क्रंची आ रहा है, बिल्कुल ऐसे दबाओ, और ये बिल्कुल सही तरीका खाने का, चम्मच की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, बहुत ही ज़्यादा टिंडर है, बहुत ही हेल्दी लग रहा है मेरे को ये चीज़, मतलब स्ट्रू है ना, तो सारा वेज दे के इसको उबाला जाता है, तो बहुत ही हेल्दी आइटम है, और बेस्ट लंच है मेरे हिसाब से, अगर किसी को हेल्थ फ्रीक है कोई। गाइस ये रहा हमारा चिकन स्ट्यू प्लस ये ब्रेड जो टोस्ट किया हुआ है। चिकन स्ट्यू में आप देख सकते हैं एक चिकन का पीस है, यहाँ पे एक कैरेट है, यहाँ पे थोड़ा सा पोटैटोज है, और पपीता है भाई, पपीता नहीं है, पोटैटो नहीं, पपीता है। ये ब्रेड जो है ना हल्का सा टोस्ट किया हुआ है, इसलिए इसका एक बहुत ही स्वीट अरोमा निकल रहा है, इससे स्वीट सेंट निकल रहा है, और वही इसका ये जो बहुत सेवरी है, हम मुझे लगता है दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के लिए। गाइस ये बहुत ही गर्म है, इसमें आपको जितना भी वेजिटेबल्स है उसका फ्लेवर आएगा, इसमें कोई आपको ज़्यादा मसाला नहीं मिलेगा, मगर आपको क्या मिलेगा, नेचुरल चिकन का जो फ्लेवर है वो मिलेगा। मतलब इस चिकन को देख के ही लग रहा है कि इसको बहुत देर से उबाला गया, बहुत देरी तक उबाला गया इसको। गाइस पहला लोकेशन डन, चित्तौड़ बाबू का दुकान अमेजिंग था, अब सेकेंड लोकेशन में बढ़ते जो कि आगे है, तो चलो। सो गाइस जय महतरा का दुकान में आ चुका हूँ, और यहाँ पे थाली है, जो कि 4 तरह का सब्जी लिया है मैंने, और यहाँ पे 2 रोटी, और ये रोटी दिखाओ कितना फ्लफी है, तो देख के तो बहुत क्रेविंग हो रहा है, और अभी खाना स्टार्ट करेंगे। ये है आलू 65, ये आलू 65 है, ये है दाल मखनी, ये है मिक्स पनीर, और ये चना मसाला, और ये चटनी। अभी तो हॉट है यार, स्टार्ट करते हैं, किसी से स्टार्ट करें बता। दाल मखनी एब्सोल्युटली फ्रेश, बहुत टेस्टी। मैं पता कॉलेज के दिनों में ऐसे खाया करता था, लेकिन अभी नहीं मिलता, बिकॉज अभी तो इधर आना होता नहीं है मेरा, बहुत दिन बाद, लगभग 2 साल बाद में खा रहा हूँ। और क्या क्वालिटी है यार, टिपिकल मतलब बंगाली खाना क्वालिटी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। मिक्स पनीर ट्राई करते हैं, माइंड ब्लोइंग। इनका दुकान जो 11 बजे खुलता है,
और सुबह 4 बजे बनाना स्टार्ट कर देते हैं लोग, सुबह 4 बजे समझ जाए कमा एवरी डे और क्वालिटी वैसे का वैसा। तो यहाँ पे अगर डेकर सेंटर आ रहे हो तो जय माता राम, अगर आप लंच नहीं किया ना तो अब आना ही मत, इधर मत आना इधर। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है भाई, और ट्रेंडिंग है, मतलब मैंने आज तक कभी भी इस ये सब एरिया में जब भी खाना खाया गया बाहर खड़े होकर कभी भी मैंने डिसअपॉइंट नहीं हुआ उसका टेस्ट से। प्राइस बहुत लो रहता है इन लोग, मगर टेस्ट बहुत अच्छा देता है, ये एक ब्लेसिंग है हम लोग के लिए, ब्लेसिंग। अगर आप कोई भी 2 सब्जी लोगे और 2 रोटी लोगे तो बस 30 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, तो इससे सस्ता मेरे को नहीं लगता कहीं मिलेगा कोलकाता में। तो आप समझ 30 रुपये में एक टाइम का खाना, आप समझ रहे हैं? लोग समझ रहे, तभी तो आ रहे थे इतना भीड़ में और आ रहे तो इंजॉय भी कर रहे। मैं रोटी लेके आता हूँ, आज हम लोग खाएंगे कम से कम 5 या 6 या फिर 8, 7, 8। आइए, यहीं पर मुख बंद होगा। भाई सरकमा अभी मसाला कुलचा लेके आया है, अभी जस्ट फ्रेश निकला है तंदूर से, और देख सकते हैं इसमें बहुत ही बटर लगाया है, घर के अमूल बटर लगा दिया। मेरे को पुरानी दिल्ली की याद आ गई, तो अरकमा को ये मौका मिल रहा है, पर मैं थोड़ा ट्राई करूंगा। सरकमा ये खा के बताओ कैसा है? इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा अजीब, बहुत सारा फीलिंग भरा हुआ है सर। ये पनीर है, मसाला है इसमें, राइस मसाला कुलचा नाम ही है इसका, तो मसाला तो होगा ही अंदर ना भाई। इनका यही पूरा काम करते हैं यहाँ पे, जो मोर संभालना मोहल्ला। तो भैया कितने बजे का टाइमिंग है दुकान का? दुकान का टाइम है आपको 7:30 सुबह, मॉर्निंग में आप 7 बजे भी आइएगा तो आपको रोटी खिला देंगे, लेकिन बटर नान कुलचा अच्छा ये सब वगैरह नहीं मिलेगा। बनाने में टाइम लगता है? टाइम लगता है, और आपको तवा रोटी मेरा फुल्का मिल जाएगा, 2-4 सब्जी सुबह सुबह रेडी हो जाता है, 7:30, 8 बजे, 7 बजे आपको रेडी हो जाता है। लेकिन भैया एक बार दिन में लगभग कितना जन खा लेता है आप अगर आइडिया में बोलेंगे तो? 300-350 आदमी। 300-350 आदमी खा लेते हैं? कम से कम 250 आदमी तो अप्रोक्स, एवरेज 250। तो एक बात बताइए, जो इतना सस्ता में आप दे रहे हैं, हाँ हाँ, 30 रुपये में मेरा पेट भर जा रहा है जी, कैसे कर रहे हैं? मतलब देखिए, इसमें एक तो कहावत है, एक तो कहानी ये है, हम ये नहीं चाहते कि 10 रुपया हमको 100 रुपया कमाना है, हाँ। 10 आदमी के 10-10 रुपया ले, अच्छा, ये हमको नहीं कमाना है, हाँ। हम चाहते कि 100 आदमी खड़ा रहे, हाँ। और 1 रुपया करके प्रॉफिट करे, अरे हमको 100 आदमी 100 रुपया हमारे पास। ये भैया पूरा मार्केटिंग गुरु लग रहे हैं, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। बेस्ट टाइम आने क्या है यहाँ पे, अगर हमको सारा कुछ मतलब सारा कुछ आपको लेना है तो 12 से लेके आपको 2 से 2:30 बजे सब कुछ आपको मिलेगा। और थैंक यू सो मच, मतलब इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए हम लोग। तो गाइस जो डेकर्स देखा, बहुत ही अंडररेटेड दुकान है, क्लासिक फास्ट फूड सेंटर, जो कि यहाँ का पॉपुलरिटी क्या है भैया? पॉपुलरिटी क्या तो कॉम्बो प्लेट होगा, हाँ। राइस चिली, चाउमीन चिली, कुलचा भरता, पुलाव, चिकन भरता का मिल जाएगा। राइस चिली का 80 रुपया कॉम्बो है, बस 80 रुपया, हाँ। मैंने आपका इसके बारे में बहुत सुना है, इस बटर पर फिश बटर पर 80 रुपया पीस है, 80 रुपया पीस है, मैं यही ट्राई करने। इसमें क्या क्या रहता है ये वाले? फिश मांस रहता है, भेट की मांस जो की 600-700 रुपए किलो रहता है वो वाला मांस। और इसमें बोन्स नहीं रहता, काटा वगैरह? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं रहता है, काटा पता कुछ नहीं। तो गाइस ये क्लासिक जो है ना, ये देखे सेंगे थोड़ा सा अंदर है, तो यहाँ पे भी एक बार ट्राई करना बनता है आपको, बिकॉज यहाँ का जो आइटम्स है वो बहुत सारे हैं और सस्ता है, मतलब 80 रुपये में अगर आपको एक कॉम्बो पैकेज मिल जा रहा है जहाँ पे आपको इजीली 1-2 लोग खा सकते हो आप, तो इससे बेटर क्या मिलेगा? तो एक बार बोर्ड देख लीजिए, ये क्लासिक फूड का बोर्ड है, तो यहाँ पे अगर रुक के एक बार खाइएगा, भैया यहाँ पे खड़े होकर बुलाएंगे आपको, तो अब यहाँ से बस गुजरिए, आपको भैया बुला लेंगे बस। ठीक है, चला कितना पीस सेल हो जाता है एक तो ये मतलब एक दिन में ये वाला जो है 25-30 हो जाता है। तो गाइस दो ऑप्शन था, या तो हम लोग सुरुचि में ट्राई करते या फिर क्लासिक में। तो मैं क्योंकि हमने आज जितना भी ट्राई किया वो स्ट्रीट स्टाइल था, तो हमने भी स्ट्रीट स्टाइल भी स्ट्रीट स्टाइल रखा। और हमने क्या ऑर्डर किया है? हमने ट्राई किया फिश बैटर। फिश बैटर पता है इसको क्या बोलते हैं? फिश बटर बोलते हैं बहुत, एक्चुअली ये बैटर है, फिश बैटर, बैटर में बना के ये बनाया जाता है, इसको ये किया जाता है, फ्राई किया जाता है। तो हम लोग वो ट्राई करेंगे, और आई थिंक ये हम लोग का फाइनल मील होने वाला है, और डेकर सेंस का फुल डे वेटिंग भी खत्म होने वाला है यहाँ पे। गाइस आपने अगर ध्यान दिया होगा कि हमने जो चिकन स्टू ट्राई किया था वो 110 रुपीज़ पड़ा था, और सेम प्राइस हम लोग का ये भी पड़ा, जो हम लोग इतना थाली में इतना सब खाई नहीं, थाली ओ हाँ थाली थाली हमने जो थाली ट्राई किया उसका भी सेम ही प्राइस पड़ा, तो आप गेस कर सकते हो उतना सारा खाना और उतने कम दाम पे। तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं डेकर सेंस में आके अगर आप फिश फ्राई नहीं खाते हो तो आप बहुत बड़ा गलती करते हो। तो मैंने क्लासिक फास्ट अभी भी नहीं पकड़ा, इसको लगभग मेरे को लिए हुए 5 मिनट हो गया, अभी तक इसका जो गर्माहट है वो जा ही नहीं रहा है, मतलब छू रहा हूँ और मेरे को हाथ जल रहा है मेरा, पता नहीं कैसे फ्राई किया गया इसको भाई। हाथ के स्टू काफ़ी हेल्दी था, फिर हमने थोड़ा सा मिड हेल्दी खाया,
पर ये एकदम भी हेल्दी नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा आप देख के खाना, हेल्थ फ्रीक लोग मत आना यहाँ पे, बाकी अदरवाइज ट्राई करने के लिए आ सकते हो। बहुत ही गाइस अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये फिश बैटर फ्राई, और वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो फिश है भेटकी मछली, ये मेरा फेवरेट फिश है। बहुत ज़्यादा ही तेल है इसमें गाइस, मगर खाने में मज़ा आएगा। इसमें ऊपर का जो ये है क्रस्ट, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा है, मतलब फिलिंग के हिसाब से ना ज़्यादा मोटा, और टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, मगर हल्का सा सॉल्टी साइड में, लेकिन वो तेल का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। हाँ, थोड़ा तेल का फ्लेवर ज़्यादा ओवरवेलम कर रहा है, इसका अंदर का फ्लेवर को उतना उभर के नहीं आने दे रहा। तो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू डेकर्स लेन, और गाइस तो फाइनली वी आर डन विद द थ्री मोस्ट पॉपुलर शॉप्स ऑफ डेकर्स लेन, और तीनों हम लोग ट्राई किया और तीनों ही बहुत टेस्टी था। तो ये चित्तू बाबू का दुकान में अभी क्रॉस कर रहे हैं, हमेशा यहाँ पे भीड़ रहता है। सो गाइस आफ्टर फुल डे ऑफ वेटिंग एट डेकर्स लेन, वी आर एंडिंग आवर वीडियो विद दिस मिल्क डिलीशियस मैंगो, 150 साल पुराना जूस जो मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर, आप देख लेना वीडियो को। तो इससे हम लोग फिनिश करने वाले आज अपने जो वीडियो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग बेकार बंदा।